हर चमकते हुए चीजें सोने नहीं होते हैं। हम बॉलीवुड का सक्सेस और झलक देखते हैं, पर इसके पीछे छुपा हुआ अगली ट्रूथ और कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में तो नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बॉलीवुड का 10 ऐसे कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स जुड़ा हुआ है और जो बातें उस वक्त इंडस्ट्री में तूफान उठाया था। तो दोस्तों, क्या है वो सब कॉन्ट्रोवर्सी, जानने के लिए वीडियो शुरू से तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 1, नेपोटिज्म एंड कंगना रनौत। कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत ने डायरेक्टर करण जौहर को डायरेक्टली किया था कि वो फ्लैग बियर ऑफ नेपोटिज्म है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो मूवी माफिया है। और ऐसे कई बार कंगना ने बॉलीवुड का नेपोटिज्म के बारे में आवाज उठाई थी, और इसलिए उनको कई बार कई सारे स्टार किड्स का सवालों का सामना करना पड़ा। और इस बात सुशांत का सुसाइडल केस के बारे में उन्होंने और एक बार बॉलीवुड का नेपोटिज्म से जुड़ा हुआ पॉलिटिक्स के बारे में खुलासा किया। नंबर 2, सलमान खान, ऐश्वर्या राय एंड विवेक ओबेरॉय कॉन्ट्रोवर्सी। सभी लोग जानते हैं कि सलमान और ऐश्वर्या के बीच में कितना गहरा प्यार था, और सबसे बड़ी बात यह है कि सलमान भाईजान ने ऐश्वर्या को काफी प्यार करते थे। और इन दोनों के ब्रेकअप के बाद जब ऐश्वर्या और विवेक के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बना, तब सलमान ने यह बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने विवेक के साथ झगड़े में शामिल हो गए। और 2003 में विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सब कुछ खुलासा किया, और इसके बाद उनका बॉलीवुड करियर खत्म हो चुका। तब जाके उन्होंने कई बार सलमान से माफी मांगने की कोशिश भी की, पर उन्होंने हर वक्त नाकाम रहे। नंबर 3, पद्मावती और उत्तर पंजाब रिलीज इशू। पहले उत्तर पंजाब के केस के बारे में बोलूं, तो ये फिल्म यंग जनरेशन का ड्रग अब्यूज पर बेस्ड है, और इसकी वजह से सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि CBFC ने इस फिल्म को रिलीज होने से रोक दिया था, और उन लोगों ने फिल्म के लगभग 100 सीन कट किया था। और फिर जाके कई स्ट्रगल के बाद ये फिल्म रिलीज हुई, पर रिलीज से पहले इस फिल्म का कई सारे पार्ट्स ऑनलाइन पर लीक्ड हो गया था। और दूसरी तरफ पद्मावत, इसका कंट्रोवर्सी शुरू हुआ प्रोडक्शन के वक्त। इसमें राजपूत कास्ट ऑर्गेनाइजेशन का कर्णी सेना ने शूटिंग स्पॉट पे आकर डायरेक्टर संजय लीला पर अटैक किया, और साथ में कई सारी जगह पर तोड़फोड़ किया था। और उन लोगों का ये मानना था इसमें पद्मावती के साथ अलाउद्दीन खिलजी के रिलेशनशिप और साथ में इसमें राजपूत के रोल से पद्मावती को बड़े करके दिखाई गई है, और इसी वजह से उस वक्त पद्मावत को कई सारे कॉन्ट्रोवर्सी से जाना पड़ा। नंबर 4, श्रीदेवी मर्डर मिस्ट्री। सुपरस्टार श्रीदेवी की मौत पूरी देश को एक शॉकिंग सा लगा, क्योंकि उनको होटल के बाथटब पर पड़ी हुई मिले थे, और इसके बाद उनको डेड डिक्लेयर की गई थी। और बाद में ये न्यूज आई कि उनको हार्ट अटैक आए थे, पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई कि उनको पानी में डूबकर मौत हुई। और ये सब न्यूज के वक्त सुपरस्टार श्रीदेवी के फैंस और मीडिया ने उनके हस्बैंड बॉनी कपूर पर उंगली उठाया था, और इसमें केस भी चली, पर 2 दिन बाद दुबई का कोर्ट इस केस को बंद कर दिया। नंबर 5, सलमान खान, शाहरुख खान एंड आमिर खान फाइटिंग। बॉलीवुड का तीनों खान के बीच में जहां पर एकदम जिगरी दोस्त की तरह रिलेशन था, वह दूसरी तरफ इन लोगों का रिलेशन एक काफी कंट्रोवर्सी के मोड़ पर आकर खड़ी हुई। अगर बात करें सलमान और शाहरुख के बीच में फाइटिंग का, 2008 में सलमान ने उसका एक्स गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ के बर्थडे पर एक ग्रैंड पार्टी रखे थे, और उस पार्टी में सलमान और शाहरुख के बीच में ऐसे झगड़े हुए कि उस पार्टी में मौजूद लोगों ने इन दोनों को नहीं रोक पाए, और इसके बाद इन दोनों के बीच में काफी छोटे छोटे झगड़े चलते रहे। और अब बात करें शाहरुख और आमिर के बीच में फाइटिंग को लेकर। आमिर ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने अपनी डॉग के नाम रखा है शाहरुख, और ये बात इंडस्ट्री में एक तूफान उठाई थी कि कैसे इस तरह इंसल्ट की जा सकता है। और ऐसे कई सारे मूवीज प्रमोशन और सोशल मीडिया पे दोनों का तू तू मैं मैं चलते रहे। नंबर 6, रणबीर कपूर लव अफेयर। रणबीर कपूर जैसे ड्रग एडिक्टेड है, वैसे ही उन्होंने अफेयर में भी एडिक्टेड है। उन्होंने कई सारे वक्त किसी एक्ट्रेस के साथ रिलेशन में रहने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से चीट करते थे, जैसे कि कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, ऐसे कई सारे एक्ट्रेस के साथ उनका गहरा रिलेशनशिप था, और बाद में इन सभी के साथ उन्होंने चीट किया था। और अभी उनका प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है यंग एक्ट्रेस आलिया भट्ट। तो चलिए देख लेते हैं कि कितनी देर तक इन दोनों का रिलेशनशिप चलता है। नंबर 7, संजय दत्त अंडरवर्ल्ड कनेक्शन।
1992 से संजय दत्त और दाऊद इब्राहिम के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप रहने की वजह से संजू का अंडरवर्ल्ड दुनिया से कनेक्शन हुआ था। और 1993 में संजू के पास इलीगल तरीके से AK-47 आर्म्स रखने की वजह से और साथ में मुंबई में हुआ बम ब्लास्ट की गन सप्लाई कांड की वजह से उनको जेल में डाल दिया गया था। और ये बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट रहा। नंबर 8, ऋतिक रोशन एंड कंगना रनौत फाइटिंग। ऋतिक और कंगना दोनों ने 2010 काइट्स और 2013 क्रिश 3 में एक साथ काम किया और इसके बाद इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप हुआ था। और कंगना ने ये भी कहा कि वो ऋतिक से काफी प्यार करते थे। और दूसरी तरफ ऋतिक ने अपनी डिवोर्स के बाद कंगना को शादी करने के लिए राजी भी थे। और बाद में ऋतिक ने इस रिलेशनशिप को इनकार कर दिया और क्रिमिनोलॉजिस्ट के पास जाकर कंगना के साथ ईमेल एक्सचेंज के बारे में कहा। और फिर जाके कंगना ने ये सब बात मीडिया के सामने ले आई और इसको लेकर इंडस्ट्री में हुआ एक बड़े कंट्रोवर्सी। नंबर 9, फिल्मफेयर अवार्ड शो। 2020 का फिल्मफेयर अवार्ड में काफी पॉलिटिक्स देखने को मिला है, जहां पर बेस्ट फिल्म से शुरू करके डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले, लीड एक्टर, लीड एक्ट्रेस, ऐसे करके सभी का सभी अवार्ड मिला है गली बॉय को। और इसकी वजह क्या है सभी जानते हैं, फिल्मफेयर को स्पॉन्सर किया है अमेजन ने और गली बॉय का स्ट्रीमिंग पार्टनर था अमेजन और इसी वजह से सभी अवार्ड गायब गली बॉय के पास। और दूसरी तरफ अक्षय कुमार का केसरी, ऋतिक रोशन का सुपर 30, कंगना रनौत का मणिकर्णिका और शाहिद कपूर का कबीर सिंह और सुशांत सिंह राजपूत का छिछोरे फिल्म, इन सभी फिल्मों को कोई अप्रिसिएशन तक भी नहीं मिला। और इसमें आलिया भट्ट गली बॉय का छोटा सा हिस्सा थी, पर दूसरी तरफ मर्दानी पे रानी मुखर्जी ने फुल फिल्म पे दमदार एक्टिंग दिखाई है। और सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ अनन्या पांडे को लेकर, जिन्होंने काफी स्ट्रगल करके फिल्मफेयर डिव्य एक्ट्रेस अवार्ड जीती थी। नंबर 10, सुशांत सिंह राजपूत डेथ। 2020 का मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट है ये, और मोस्ट टैलेंटेड यंग एक्टर सुशांत का मौत क्या सुसाइड है या मर्डर, इसके बारे में काफी चर्चा हो रहे हैं। जहां पर एक तरफ सुशांत अपने कैरियर की वजह से डिप्रेस था इसलिए उन्होंने सुसाइड किया, ऐसे न्यूज आई है। और दूसरी तरफ उनका बॉडी पे चोट का निशान, उनका मरने का तरीके से कई सारे सवाल उठता है और जिसलिए इस केस को सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर कह जा रही है। जहां पर रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट ऐसे कई सारे इंसान पर उंगलियां उठ रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। तो दोस्तों ये रहा टॉलीवुड का 10 मोस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में। इन सभी कंट्रोवर्सी में आपको कौन सी वाली शॉकिंग लगा कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस तरह के बॉलीवुड और साउथ इंडियन न्यूज़ अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।